हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक में आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। ये फॉर्म 17 जनवरी 2023 से आवेदन होना स्टार्ट हो चुकी है। ये फॉर्म ऑफलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी लास्ट डेट 2 फरवरी 2023 से मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होने वाली है। इसमें एग्जाम नहीं लिया जाएगा। अप्लीकेशन जो फी है वो बिल्कुल फ्री है। जनरल ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, या SC ST कैटेगरी या PH कैटेगरी के हैं, आपको इसमें आवेदन फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसमें जो आपका एज लिया जाएगा, 1 जुलाई 2022 से आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा, जिसमें 18 वर्ष कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष के कैंडिडेट इसमें भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। 3544 के पदों पर ये वैकेंसी जारी किया गया है। ऑफलाइन ये भर्ती अप्लाई करना है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको A4 साइज में प्रिंट आउट करना पड़ेगा। कैसे इसे डाउनलोड करना है, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट जारी किया गया है। आपके पास 12वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा। जिस ग्राम पंचायत के रहने वाले निवासी रहेंगे, उसी ग्राम पंचायत के लिए आप आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के द्वारा ये भर्ती जारी किया गया है। इसमें मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होगा, आपका एग्जाम इसमें नहीं होने वाला है। भर्ती को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आवेदन फॉर्म शो हो जाएगा। इस आवेदन फॉर्म को सबसे पहले प्रिंट आउट करनी है। यहाँ पे आपको प्रिंट या सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। चाहे तो आप इसे सेव करके कहीं पे भी साइबर कैफे पे जाके आप इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद इस आवेदन फॉर्म को ब्लैक या ब्लू पेन से फिलअप करना पड़ेगा। जेल पेन से आपको ये फॉर्म नहीं सबमिट करना है, बॉल पेन से फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले आवेदक ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद विकास खंड नेम जो है वो लिखना है। इसके बाद आपको अपने जनपद को लिख लेना है। यहाँ पे आपको एक फोटो चिपकाना है। इसमें रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाएंगे। सेल्फ अटेस्टेड आपके सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपका फोटो भी सेल्फ अटेस्टेड मांगी गई है। इसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम रहेगा, यानी कि जिनके नाम से आवेदन फॉर्म अप्लाई किया जाएगा उनका नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे माता का नाम लिखना है। आपके हाई स्कूल या 12वीं के क्वालिफिकेशन में जिस प्रकार से नाम और डिटेल्स लिखी गई हैं, वही सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जिसमें यहाँ पे बताया गया है हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। 1 जुलाई 2022 से आपकी एज लिया जाएगा। इसके बाद अपने जेंडर को यहाँ पे लिखना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद अपने कैटेगरी को लिखना है कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं। इसके बाद अपना स्थायी पता लिखना है, और उसके बाद पत्राचार का अपना व्यवहार पता लिखना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखनी है। नीचे आपको शैक्षिक योग्यता डिटेल्स देनी है। सबसे पहले 10वीं की क्वालिफिकेशन और 12वीं की क्वालिफिकेशन इसमें इंपॉर्टेंट मांगा गया है। इसके बाद अगर आपके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो वो आप नीचे लिख कर ऐड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है या विश्वविद्यालय लिखना है। इसके बाद यहाँ पे विषय नेम लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे पूर्णांक टोटल कितना नंबर था वो, कितना नंबर पाए हैं वो लिखना है। इसके बाद आप कौन से श्रेणी में पास हुए वो, और आपकी प्रतिशत क्या है वो लिखना है। इसी प्रकार आपको अपने सभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को लिख लेनी है। इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे करते हैं। कार्य का अनुभव वर्षों में अंकित करें। जो वैकेंसी जारी किया गया है उसमें अगर कोई आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे COVID-19 की डिटेल्स बतानी है कि COVID-19 के दौरान मृत व्यक्ति को वारिसान के रूप में आवेदन किया जा रहा है या नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे, नहीं तो आप नो कर लेंगे। इसके बाद मृतक का नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप हाँ करते हैं तब। अगर आप नहीं करते हैं तो ये ऑप्शंस आप ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। ये सारे ऑप्शंस आपको फिलअप नहीं करने पड़ेंगे। अगर COVID-19 के दौरान आपके फैमिली मेंबर में किसी का भी डेथ हुआ है तो आप यहाँ पे वो डिटेल्स लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे संबंध आप सिलेक्ट करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट आप नहीं यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद ये सारे ऑप्शंस छोड़ देना है। इसके बाद नीचे आपको घोषणा पत्र मिल जाएगा, जिसे डिक्लेरेशन कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे आवेदन की डेट रहेगी। इस ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है। जो जांचकर्ता रहेंगे, जो प्राप्त करेंगे आपके आवेदन फॉर्म, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करेंगे। ऑफलाइन इस आवेदन फॉर्म को फिलअप करने के बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को और इस आवेदन फॉर्म को और अपना फोटो एक लिफाफे में पैक करना है। पैक करने के बाद बाई पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप पोस्ट कर सकते हैं, या तो बाई हैंड द्वारा ही आप इस आवेदन फॉर्म को वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। पहुँचाने की जो एड्रेस है, ग्राम पंचायत ऑफिस तक आप अपने आवेदन फॉर्म को पहुँचा सकते हैं, दे सकते हैं, या तो आप विकास खंड ऑफिस तक आप पहुंचा सकते हैं, या तो आप डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज्य ऑफिसर ऑफिस द्वारा आप इसे पहुंचा सकते हैं। ये आपकी आवेदन फॉर्म ऑफलाइन है। ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद चाहे तो आप पोस्ट ऑफिस या आप खुद ही अपने द्वारा
ग्राम पंचायत पे जाके इससे आप पहुंचा सकते हैं ऑफिस पर। ओके, तो गाइस इस प्रकार से इस भर्ती को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सबमिट करेंगे। ऑफलाइन इस भर्ती को सबमिट करने के बाद ग्राम पंचायत पे आप इसे सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल गाइस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई सवाल होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एंड गाइस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय।